नमस्कार। आज की हमारी रेसिपी है हरे प्याज की सब्जी। आज हम हरे प्याज की सब्जी बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 200 ग्राम हरा प्याज लिया है, जिसे हमने अलग अलग कट कर लिया था। सफ़ेद हिस्सा हमने अलग कट कर लिया था और एक प्याज और हमने इसमें काट लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। पैन हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा हमारा चटकने लगा है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। अब हम इसमें एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने लिया है 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं, मिला देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसे 2 मिनट तक पका लेते हैं। मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें हरा प्याज डाल देते हैं। मिला देंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे 3 मिनट तक पका लेंगे। सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। थोड़ा सा हरा प्याज डाल देते हैं ऊपर से और ये हमारी हरे प्याज की डिलीशियस सब्जी तैयार है। ये बहुत ही इजी बन जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूले नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।